नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय वर्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि दो टाइप से आप गोलगप्पे कैसे बना सकते हैं, और दो टाइप का ही आपको मैं पानी बताऊंगी आज। गोलगप्पे एक तो सूजी के कैसे बनाने हैं और आटे के गोलगप्पे कैसे बनेंगे, ये दोनों ही गोलगप्पे मैं आपको बताऊंगी। और पानी आपको खट्टा पानी और मीठा पानी, दोनों तरीके के पानी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पानी के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो पानी के लिए हमें चाहिए धनिया, पुदीना, एक नींबू, चार पांच हरी मिर्च, अदरक, और जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो है नमक, बूंदी हम बाद में डालेंगे, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला, हींग एक चुटकी, काला नमक एक चम्मच, और जलजीरा पाउडर मसाला इसका दो चम्मच के करीब। ये जीरा मैंने भून लिया है और पीस लिया है, भुना हुआ जीरा करीब दो चम्मच। और मीठा पानी बनाने के लिए चाहिए हमें इमली। इसे हम सबसे पहले गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, फिर इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसके सारे बीज अलग निकाल लेंगे और इसे छानकर इसका पानी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इन सामग्रियों को, ये इमली को छोड़ के आपको बाकी ये जलजीरा भी छोड़ दीजिएगा, इसे बाद में डालेंगे हम। इन सारी सामग्रियों को मिला के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सी में, अच्छे से पीस लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालना है पीसते समय। यह मैंने आपको दिखाया था धनिया, सारा धनिया ले लेंगे, पुदीना भी सारा डाल देंगे, ये 4 से 5 हरी मिर्च है ये डाल लीजिए, और ये अदरक ये भी आप इसमें पीसने के लिए डाल देंगे, इसे थोड़ा सा काट के डालेंगे, और ये नींबू। अभी फिलहाल हम इसी सामग्री को पीसेंगे, बाद में सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। मैंने ये पीस ली है अच्छे से, पुदीना, धनिया और अदरक और हरी मिर्च और नींबू। अब हम इसे, मैंने यहाँ पे छलनी लगा रखी है क्योंकि अगर थोड़ी मोटी पीसी होगी हमारी चटनी तो वो आराम से, ये मैं आपको बता दूंगी, इसमें से हमें सिर्फ आधी ही लेनी है, आधी हमें बचा के रखनी है, वो अभी हम बताएंगे क्यों। तो इस तरीके से मैं आधी ले लेती हूँ, और करीब 1 गिलास के करीब हमें पानी लेना है, और मैं इसी के ऊपर से डाल रही हूँ ताकि आराम से अच्छे से चला जाए, मोटा मोटा छलनी नहीं रह जाएगा। अभी देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, काला नमक डालेंगे लगभग 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 से 2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच से भी कम, और हींग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ी सी हींग ली है। और अब डालेंगे हम जलजीरा पाउडर मसाला। जलजीरा पाउडर मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, ये मैं 2 चम्मच के करीब डालूंगी। अभी हमारा पानी तैयार हो गया, हम इसके ऊपर डालेंगे बूंदी। ये मैंने घर में ही तैयार की है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाना बताया था बूंदी कैसे बनाते हैं, आप चाहें तो घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा खट्टा पानी तैयार है। अब हम बनाएंगे इमली का मीठा पानी। अब मीठा पानी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इमली मैंने गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगो दी थी, फिर उसके अच्छे से मैंने बीज निकाल के हाथों से मैस करके इसे छान लिया था। तो ये मेरा पानी तैयार है इमली का। अब इसे मैं डालूंगी, और इसमें हमें पानी ऐड करना है 1 गिलास। अब वही सब मसाले जो हमने उसमें डाले थे इसमें भी डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा
आधा चम्मच के करीब हम नमक ले लेंगे, भुना हुआ जीरा 1 से 2 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच से भी कम, हींग चुटकी भर, जलजीरा मसाला 2 चम्मच। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर जलजीरा मसाला आप पे नहीं हो तो आप चाट मसाला का प्रयोग कर सकते हो, उसमें आपको फिर हींग डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाट मसाला यूज करते हैं तो। और काला नमक 1 चम्मच से थोड़ा कम लिया है मैंने। अब इसमें बूंदी डाल दीजिए ऊपर से, और ये हमारा इमली का मीठा पानी तैयार है। अब ये दोनों पानी हम रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। आप चाहे तो इसमें आइस डाल के ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे पानी पूरी की तैयारी करनी है, गोलगप्पे बनाने हैं, तो इसलिए मैं ये दोनों चीजें फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने इस गोलगप्पे के अंदर जो हम भरते हैं उसके लिए मैंने ये आलू उबाल के रखे थे, जो मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक, और थोड़े से मैंने ये छोले चने उबाले थे। अब इसमें मैं ये जो चटनी जो मैंने बचाई थी इसे ऐड करूंगी, 1 चम्मच आलू में डालूंगी और आधा चम्मच के करीब चने में डालूंगी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मसाले कौन कौन से डालने हैं। ये मैंने इसमें चटनी डाल दी है, इसमें भी थोड़ी सी डाल दूंगी और इसे मिला लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ। नमक अगर आप चाहें तो डाल दीजिए, वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी में भी नमक है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल देती हूँ। चुटकी भर दोनों में डाल दिया मैंने, ज्यादा नहीं डाला है। ये मैंने काला नमक डाला है, और इस तरह से मैंने ये दोनों तैयार कर दिए हैं गोलगप्पे में भरने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं हम गोलगप्पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सूजी के गोलगप्पे कैसे बनाने हैं। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब सूजी ली है। ये अगर आपके पास बारीक सूजी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसे मिक्सी में पीस के बारीक कर सकते हैं। और हमें चाहिए मोमन के लिए तेल, जो कि आपको थोड़ा डालना है पहले, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं, जैसे हमारी सैंड होती है उस टाइप का इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो देखिए इसे अच्छे से हाथों से आपको मिलाना है, और फिर उसके बाद हम इसे गर्म पानी से गूंदेंगे। इसमें ठंडा पानी यूज नहीं करना है, तेज गर्म पानी हो तो सबसे अच्छी बात है। इस तरह से देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। चाहे तो थोड़ा सा हम और डाल देते हैं, मोमन की वजह से थोड़ा सा हमारे खस्ता बनते हैं, तो थोड़ा सा मैंने और ले लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी गर्म पानी। पानी आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, और इसका हमें एक बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। अभी इसका डो तैयार करके हम कुछ देर के लिए से रेस्ट के लिए रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डो तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल अभी थोड़ा लूज है, तो ये अभी आधा घंटे के लिए हम इसे रखेंगे रेस्ट के लिए। उसके बाद हमें इसे फिर से गूंदना है। इसे हम एक गीला कपड़ा ले लेंगे, और गीले कपड़े में हम इसे लपेट लेंगे और रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है आधे घंटे, तब तक हम आटे के गोलगप्पे बनाने की तैयारी करते हैं। तो
तो आटे के गोलगप्पे कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आटे के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी के करीब आटा ले लिया है और अब इसे हम नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे गूंदेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे गूंद लीजिए। इसका हम थोड़ा टाइट डो तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा मैं डो को इसी में डाल के इसको अच्छे से मस लूंगी। ये ध्यान रखिए आप जितने अच्छे से इसे मसल मसल के आप डो तैयार करोगे उतना ही अच्छा तैयार होगा। थोड़ा सा और डिप करेंगे और फिर से इसे इस तरीके से ताकि इसके अंदर तक अच्छे से ये मच जाए और इसमें हमारा मोमन पहुंच जाए। थोड़ा सा एक बार और डिप करेंगे। आप चाहे तो फ्लैट सरफेस पे भी इसे अच्छे से गूंद सकते हैं, इसका डो तैयार कर सकते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो गोलगप्पे होते हैं वो फूल जाते हैं लेकिन मुलायम बनते हैं, करारे नहीं बनते। तो मैं आपको इस वीडियो में सब छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे इसमें जो बात है वो ये है कि आपको जो है ये आटा जो है इसका डो जो तैयार करना है वो बहुत मेहनत से तैयार करना है। करीब इसे गूंदने में हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और इसको हमें रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, तुरंत इसको हमें बनाना है और कढ़ाई में डालना है। मैंने थोड़ी सी लोई तोड़ के इसको ऐसे रोल कर लिया है, बाकी मैंने कपड़े से ढक के रख दिया है और इसको आप चाहे तो चाकू से छोटा छोटा काट लें, बहुत बड़ा हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसकी जो हम बेलेंगे पूरियां वो बहुत ही पतली बेलनी है, क्योंकि अगर आप मोटी बेलेंगे तो जो है वो सिर्फ फूल जाएगी और पूरी की तरह मुलायम बन जाएगी। तो इस तरीके से सारे काट लीजिए और इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। पहले सारे हम बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा तेल डाल देना है, तेल इसलिए डालते हैं ताकि ये रखे रखे सूखे नहीं। इस तरीके से अब हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए ये हमें बिल्कुल पतला तैयार करना है, मोटा नहीं रखना है। इसी तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पतले पतले आपको बेलने हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे तैयार कर लिए हैं और मेरा यहाँ पे ये तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। आपको भी तेल बिल्कुल गर्म रखना है, तेज गर्म। अब इसको हमें इसमें डालना है। देखिए अपने आप ही फूल रहे हैं, मुझे करछी भी खा लीजिए अपने बॉडी में। इस तरीके से जो हो जाए उन्हें थोड़ा पलट दीजिए। ध्यान रखिएगा कि एक तरफ हम थोड़ा ब्राउन कलर लेते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा हल्का कलर आने तक इसको करते हैं। जो गोलगप्पे हमारे ऐसे रह जाएंगे जो फूलेंगे नहीं उसकी मैं आपको अगले वीडियो में पापड़ी चाट कैसे बना के खाते हैं वो बताऊंगी। तो देखें हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं। इसी तरह से आप सारे बना लीजिए।
ये हमने जो डो अपना रेस्ट करने के लिए रखा था सूजी का, अब हम इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए और इसको मानेंगे ऐसे करके, बल्कि आप इसे जितना अच्छे से पटक पटक के गूंदें उतना अच्छा है, इससे आपके जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। हथेली से ऐसे करके आप अच्छे से इसे मत लीजिए। इस तरह से आपको करीब 10 मिनट तक इसको गूंदना है। उसके बाद हमने जिस तरह से आटे की गोलगप्पे बनाए थे लोहिया बना के इसे बेलेंगे और तेज गरम तेल में डालेंगे। पर गोलगप्पे में हम 4-5 एक साथ डाल देते हैं, लेकिन इसमें हम एक एक दो दो करके डालेंगे। इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए सूजी के भी आप इसी तरह से जैसे हमने आटे के बेले थे वैसे बेलिए, लेकिन सूजी का आपको ज्यादा पतले करने की जरूरत नहीं है। ये आप ऐसे रखिए, साइज आप अपने अकॉर्डिंग लंबा या गोल रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे। इसे आप एक एक करके डालिए। रखते जाइए। एक साइड से वैसे ही हमें जैसे पहले हमने एक साइड से कम और एक तरफ से तेज, इस तरीके से आप सबको रखना है। देखिए ये मैंने कुछ पहले से भी तैयार कर लिए थे। इसी तरह से आप सारे गोलगप्पे तैयार कर लीजिए। देखिए अब हमारे ये गोलगप्पे तैयार हैं। हमारा ये खट्टा पानी, मीठा पानी और हमारे आलू चने सब तैयार हैं। अब बस देर है तो हमें खाने की, इसे आप भरिए इसके अंदर और पानी में डाल के इसे इस तरह से खाइए। ये हमारे सूजी वाले गोलगप्पे, इसे आप मीठे पानी के साथ खाइए। देखिए इस तरीके से आप सर्व करिए और खाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, मजा आएगा। हाँ मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे आपने आटे के गोलगप्पे बनाए हैं मैंने इसमें सूजी नहीं डाली थी। अगर आपको थोड़ा और खस्ता करारे ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हैं, इससे आपके और ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि पापड़ी चाट कैसे बनाई जाती है। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।